बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंजुम सहेल है और मैं इस वक्त डेमोन्स्ट्रेट करूँगा ये पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन रिस्क फोर की, जो कि वेरीलॉग में की है। इनिशियली सिंगल साइकिल से स्टार्ट लिया था, और सिंगल स्टार्ट साइकिल में थोड़ा सा जो फ़र्क ये था कि उसमें जो मॉड्यूल्स मुख्तलिफ बनाए थे वो फेजेस के वाइज थे, जैसे कि इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, एग्जीक्यूट और उसके वाइस। लेकिन जब पाइपलाइन में गए तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो गई, तो फिर मैंने जो है इसको उससे हटके डाटा पाथ को जो है ना रखते हुए जो है ना मॉड्यूल्स वगैरह बनाए। अच्छा, मेरा तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है चूंकि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, और ऑब्वियसली जो मेरे टर्मिनोलॉजी है वो उसी से रिलेटेड है, जैसे कि क्लासेस, वेरिएबल्स, इंस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट्स, और ये चीज़ें मेरे इसमें भी मैं तकरीबन यूज़ कर रहा होता हूँ। और जो फ्लो वेरी में इसमें वेरीलॉग में मैं बिल्कुल इससे पहले बिल्कुल नहीं जानता। मैंने ज़्यादातर टाइम मेरा वेरीलॉग सीखने में लगा लग रादर देन कि मैं एक्चुअल कोड में कर पाता। और हमें ज़्यादा क्लासेस में भी टाइम नहीं मिला, हमारी क्लासेस नहीं हो सकी। और इसमें यहाँ पर जो है इसकी पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन में जो इसके मुख्तलिफ मॉड्यूल्स मैंने यूज़ किए हैं वो मैं थोड़े से जो मैंने बनाया है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें सबसे पहले तो ये स्टार्ट सिमुलेशन का पहला मॉड्यूल है। इसमें हो ये रहा है कि हम जो है एक ऑब्जेक्ट इसमें सबसे पहले तो इंक्लूड कर रहे हैं रिस्क वी एस वी ये वाई इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, फिर उसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। मैं इसको इंस्टेंस ही कहूँगा क्योंकि ये क्लास है और ये उसका ऑब्जेक्ट है। ये वाला जो लाइन ऑफ कोड है मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अब रिस्क वी में अगर मैं आऊँगा तो रिस्क वी में ये जो मेन उसका मॉड्यूल है इसमें जो आगे फर्दर मुख्तलिफ जो हैं जो मॉड्यूल्स हैं उनको इंस्टेंशिएट किया जा रहा है। जैसे कंट्रोल यूनिट के लिए सी का वर्ड यूज़ किया। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ये आ जाती है, क्या आपने जो नेमिंग कन्वेंशन क्या रखी है। अब वो नेमिंग कन्वेंशन आया आपने वो मॉड्यूल की रखी है या जो उसका इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है उसकी वो रखी है। अब जैसे कंट्रोल यूनिट है, मैंने मॉड्यूल का नाम कंट्रोल यूनिट रख दिया, अब मैं उसका इंस्टेंस का क्या रखूँ, उसको भी वही तो नहीं रख सकता, फिर समझने मुश्किल होगी। अब लेट से मैंने सी रख दिया, इसरा एक और मॉड्यूल है एलयू कंट्रोलर, और तीसरा जो मॉड्यूल है पाइपलाइन डाटा पाथ, इसको डीपी कह रहे हैं। अच्छा, इनको जो मुख्तलिफ सिग्नल्स जो के जो लॉजिक्स इनको जा रही हैं, कुछ इनके इनपुट्स हैं वो आउटपुट हैं वो यहाँ पर वो मैंने यहाँ पर दे दिया। ये चीज़ जो है ये हमारे पास, अगर मैं डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करूँ तो शायद बेहतर आपको समझ में आएगा, लेकिन पहले मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। ये रिस्क वी का जो है ये दूसरा मॉड्यूल है। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे तो कंट्रोल यूनिट की तरफ आते हैं। अच्छा, जो कंट्रोल यूनिट है यहाँ पर जो है मुख्तलिफ इनपुट्स और इसके आउटपुट्स यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी, ये एग्जैक्टली तकरीबन अगर आप देखें तो वैसा ही है जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इसको देखें, ये वाला कंट्रोल यूनिट, अगर आप इस डायग्राम से बेहतर समझ में आए तो ओ सॉरी। अच्छा हाँ, अब जैसे यहाँ पर आपको ये जो हमारी बुक में जो पिक्चर दी गई थी इसमें ये जो मुख्तलिफ कंट्रोल सिग्नल्स जो निकल रहे हैं ये बेसिकली कंट्रोल यूनिट इस चीज़ को मैनेज कर रहा है। अब इसमें ज़्यादा इसमें ये मॉड्यूल भी इंडिपेंडेंटली बनाया था पहले और इंडिपेंडेंटली ही टेस्ट किया था। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि अब मैं इसको इजीली एक्सप्लेन करूंगा। अभी एएलयू सोर्स का जो सिग्नल है वो अगर ऑप कोड इसको इनपुट आ रहा है, अगर आपने देखा ऑप कोड अगर एलडब्ल्यू के बराबर है, एलडब्ल्यू क्या है ये वाला, यानी कि ऑप कोड अगर इसके बराबर है तो एएलयू सोर्स को बंद कर दो, और ऑप कोड अगर एसडब्ल्यू के बराबर है तो अरे एसडब्ल्यू कहाँ पर है ये वाला, तो ये तब भी जो है ना इसको बंद कर दो। इसी तरह ये मल्टीपल केसेज हैं, मैम टू रेस को कब उसने वन करना है कि अगर ऑप कोड जो है एल डब्ल्यू के बराबर है यानी इसके बराबर है तो ये सिग्नल जो है हाई हो जाएगा। तो ये बेसिकली वही फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा है जो हमारे पास जो कंट्रोल मॉड्यूल था जो कि वहाँ परफॉर्म कर रहा था।
पाइपलाइनिंग में आके ये चीज जो है, ये आगे अगर आप देखें तो ये कंट्रोल, ये आगे रजिस्टर बी या उसको IFID स्टेज में चले जाती है, ये डायरेक्टली पाइपलाइनिंग में जो है ये कंट्रोल सिग्नल्स नहीं जा रहे होते, बल्कि ये रजिस्टर बी यानी है IFID के सॉरी IDEXE सॉरी रजिस्टर के थ्रू जा रहे होते हैं। अच्छा अब मैं ज़रा दोबारा इधर आता हूँ। अब ये कंट्रोल मॉड्यूल है। अच्छा मैंने जितने भी मॉड्यूल्स हैं ये अलग अलग इंडिपेंडेंटली तो बना लिए थे और इंडिपेंडेंटली टेस्ट भी कर लिए थे, इंटीग्रेट करते हुए थोड़ा इशू ये आता है कि आपको ये वेरीफाई करना या जज करना कि किस सिग्नल का आपने क्या नाम रखा है और वो आगे किस उसमें जा रहा है और करेक्ट उसमें जा रहा है और किस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी क्या वैल्यू है, ये थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली ये भी करना पड़ता है। अच्छा ये कंट्रोल यूनिट आ गया। कंट्रोल यूनिट के साथ अगर देखें तो फिर पाइपलाइन को मैं एक्सप्लेन किए बगैर नहीं रह सकता। पाइपलाइन को मैनेज करने के लिए मैंने जो है एक पैकेज बना लिया जिसमें कि जो पाइपलाइन से रिलेटेड जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स उसके डिफाइन किया, क्योंकि डेफिनेटली मैं प्रोग्रामर हूँ तो ज़ाहिर है मैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के ही चीज़ें मैं लेके आऊँगा। अब जिस तरह इसमें IFID के जो रजिस्टर, जिसको मैं अपनी आसानी के लिए रजिस्टर ये कह रहा हूँ, उसका एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें करंट PC और करंट इंस्ट्रक्शन इसमें आ रही है। इस तरह रजिस्टर बी है जिसमें कि IDEXE के जितने भी वेरिएबल्स हैं, मैं वेरिएबल्स ही कहूँगा, वो मैंने यहाँ पर इसको जो है रखा, ये जो यहाँ पर रखा है जो कि मुझे डॉक्यूमेंट वगैरह में जो मैंने पढ़ा उसमें मुझे मिले। इसी तरह जो है ये रजिस्टर सी है जो कि EXE मैम को मैनेज कर रहा है, और इसी तरह जो एक और स्ट्रक्चर जिसको मैम राइट बैक के जो वेरिएबल्स हैं वो मैंने यहाँ इसको मैनेज किया स्ट्रक्चर में। अच्छा ये जो पैकेज है इसमें जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये यूज असल में कहाँ हो रहा है, ये आगे फिर पाइपलाइन डाटा पाथ में यूज हो रहा है। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें काफी लंबा कोड है, इसमें इसको मैं टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करूंगा। मैंने साथ साथ ये जो कमेंट्स दिए हैं ये अपनी आसानी के लिए असल में दिए हैं ज्यादातर, बजाय इसके कि किसी और के भी, क्योंकि मुझे खुद कॉम्प्लेक्स हो जाता था कि आखिर ये आ कहाँ से रहा और ये मैंने क्यों ये चीज जो है की है इसमें। इस उसमें जो है ये समझ लेंगे, ये सिंगल एक वो फाइल है या मॉड्यूल है जिसके के थ्रू के जो हमारे पहले सिंगल साइकिल में मल्टीपल फेजेस थे उनको मैं इसी सिंगल मॉड्यूल के थ्रू मैनेज करने की कोशिश की है। अच्छा फिर आगे चल के मेरे पास जो है ALU है। ALU में अगर आप देखें तो ALU जो है उसमें का जो इसमें ज़ाहिर अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन हो रहे हैं, इसको ऑपरेशन जो है एक वैल्यू जो कि इनपुट होके आती है, ये ऑपरेशन कहाँ से आती है, ये ALU कंट्रोलर से आती है। अच्छा मैं लेकिन बहरहाल इसको वहाँ से जो भी वैल्यू आती है यहाँ पर, ये अगर ये वैल्यू ये वाली है तो वो एंड ऑपरेशन करेगा। SRC A SRC B ये फॉरवर्डिंग यूनिट के थ्रू जो है ये मक्स के थ्रू जो वैल्यू जो ALU की दो इनपुट पे आ रही होती है, अगर आप मैं यहाँ दिखाऊँ तो ये वाला इससे, लेकिन बहरहाल ये ALU सोर्स ये है और ये की है, तो ये वैल्यूज यहाँ जब आती हैं इसको इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। जिस तरह के अगर ये 0 0 है तो इसने एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये अगर ये है तो और का ऑपरेशन, एक तरह का मक्स है जो कि मुख्तलिफ केसेज में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन शिफ्टिंग या वटैवर जो भी है ये परफॉर्म कर रहा होता है। और ये मोस्टली अगर आप ये देखें ये डॉक्यूमेंट में भी इसी तरह दिया हुआ है। अच्छा अब आप ये आते हैं ऑपरेशन कहाँ से आ रहा है, ये ऑपरेशन ALU कंट्रोलर से आ रहा है। ALU कंट्रोलर जो है ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपको ALU कंट्रोल नज़र आ रहा होगा नीचे। ALU कंट्रोल को जो है ये अगर आप ये देखें तो ये IDEX से वैल्यू आ रही होती है पाइपलाइन के सिनेरियो में, और ये सिग्नल देता है ALU को और ये क्योंकि उसने आखिर करना क्या है। अच्छा अब ये ALU में जो है ये इसमें ऑप कोड इसका सॉरी ऑपरेशन की वैल्यू 0 1 2 ये मुख्तलिफ केसेस पे हो सकती है, यानी कि ALU ऑप की वैल्यू ये हो, func3 की वैल्यू ये हो, या फिर जो है ALU ऑप की वैल्यू ये हो और func3 की वैल्यू ये हो, तब इसने यानी इन तमाम केसेस में इसने इसको जो है 0 करना है। ये जो 7 कमेंट्स हैं मैंने अपनी आसानी के लिए दिए हैं क्योंकि मुझे खुद कन्फ्यूजन हो रही थी कि मैंने किया क्यों है। अच्छा ये ALU ऑप कहाँ से आ रहा है, ALU ऑप बुनियादी तौर पे कंट्रोल यूनिट से आ रहा है। ये कंट्रोल यूनिट में अगर मैं वापस आऊँ, हालांकि मैं यहाँ से रिविजिट अब मैं कर रहा हूँ, तो ये कंट्रोल यूनिट में ALU ऑप यहाँ पर जो है मैं
दे रहा था, और ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसकी वैल्यू इस लॉजिक पे यहाँ पर जो है वो जा रही है। इसी तरह ये हमारे पास जो है एक ब्रांच ब्रांच यूनिट भी है। अच्छा, ब्रांच यूनिट जो है, अगर मैं डायग्राम में देखूं तो ये ब्रांच यूनिट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। इसको जो इनपुट आ रहा है वो ऑब्वियसली ABIDEX पे आ रहा है, और ये मुख्तलिफ सिग्नल जनरेट कर रहा है। अगर तो कभी आया इसने जो है, जो आगे नेक्स्ट PC जो है वो ब्रांच PC होगा, ये BRPC जो है, ये इसमें 32 बिट का जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जो कि ब्रांच के केस में, और अदरवाइज ये PC+4 है। ये एक एडर मैंने कहीं डिक्लेयर किया है अपने मॉड्यूल में। और इसके अलावा ये कंट्रोल सिग्नल यहाँ से आता है कि आया इसने ब्रांच लेनी है या नहीं लेनी है, इस चीज़ का डिसीजन कर रहा होता है। डायग्राम में नज़र आ रहा, सॉरी। अच्छा, अब इसके जो इनपुट पैरामीटर्स हैं वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। इसकी कंडीशन भी है, ये वेरिएबल जिस तरह मैंने आपको पहले बताया BRPC को कैसे कैलकुलेट कर रहा है, और ये PC सेलेक्ट जो है ये यहाँ पर आपको ये रहा और ये BRPC, तो ये इसकी लॉजिक आपको यहाँ नज़र आ रही है। ये ALU रिजल्ट से भी कैलकुलेट कर रहा होता है, मतलब उसे कर रहा होता है ब्रांच यूनिट जो है यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास जो है रजिस्टर फाइल है। रजिस्टर फाइल में जो है ऑब्वियसली जितने भी CPU के रजिस्टर्स हैं वो यहाँ पर डिक्लेयर होते हैं और उनको मैनेज किया जाता है, यानी इसमें रीड करना है या राइट करना है उस यहाँ पर ये उसके थ्रू किया जाता है, ये इसकी डिक्लेरेशन है। रजिस्टर फाइल के अलावा फिर मेरे पास जो है, अगर देखूँ तो डेटा मेमोरी है। डेटा मेमोरी भी एक इम्पॉर्टेंट, अगर डेटा मेमोरी को मैं फर्दर एलेबोरेट करूँ तो डेटा मेमोरी मेरे पास ये जो इंटरप्रेटर है ऑनलाइन, इसमें अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये अब सारी डेटा मेमोरी है। इसमें से अगर मैंने आया रीड करना है या राइट करना है, और func3 की वैल्यू क्या है उस केस पे ये अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे कि मैम रीड जो है, मैम रीड कहाँ से आ रहा है, मैम रीड ऑब्वियसली कंट्रोल सिग्नल है जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, और इसी तरह मैम राइट भी यहीं पर है जो कि कंट्रोल यूनिट से आ रहा होता है। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है आपने रीड करना है इसको, फिर ये आगे देखा func3 देखेगा और उसकी वैल्यू की ये है तो फिर ये करो, अगर ये है तो फिर ये करो, यानी कि RD की वैल्यू ही रिटर्न कर रहा है। और अगर अदर देन दैट अगर मैम राइट है तो उसमें जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर ये दिए गए हैं। ये तो ये डाटा मेमोरी का वो हो गया। फॉरवर्डिंग यूनिट एक इम्पॉर्टेंट वो है, अगर डायग्राम में अगर आप देखें तो फॉरवर्डिंग यूनिट आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। फॉरवर्डिंग यूनिट जिसमें मैंने कहा कि पाइपलाइनिंग में चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, कि आया आपने जो ALU को जो इनपुट देना है वो उसने IFID से आना है, IDEX से आना है, या अगले EXE मेम से आना है, कहाँ से आना है, तो ये उस केस में जो है ये देखते हुए ये इसको डिसाइड करता है कि ये इसको क्या वैल्यू फॉरवर्ड करनी है। ये बुनियादी तौर पे एक मक्स है, ये 4:1 का मक्स है। अच्छा, यहाँ एक और मक्स भी यूज़ कर रहा होगा, ये 2:1 का मक्स होगा। ये 2:1 का मक्स एक ये है। अच्छा, मक्स के मॉड्यूल मैंने कहाँ डिक्लेयर किए हैं। अच्छा हाँ, ये 2 का मक्स है, ये 2:1 का, और एक 4:1 का मक्स है। आई थिंक इसमें ज़्यादा उसकी करने की वो ज़रूरत नहीं है, ये इनपुट वैल्यू के हिसाब से आपको उसी तरह से वैल्यू रिटर्न करता है। कमिंग बैक टू द फॉरवर्डिंग यूनिट, फॉरवर्डिंग यूनिट में वही हमारे जिस तरह बुक में हमें पढ़ा था कि अगर कि EXE मैम में रेज राइट आ रहा है, RD की वैल्यू ये नहीं है, RS1 है, RS1 है कि, और ये तो फिर ये आपने ये ना 10 करना है, 01 करना है, 00 करना है। जिस तरह फॉरवर्ड बी के केस में भी जो है वो यही कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू रजिस्टर RS2 हो जाता है। इसको वेरी लॉग के हिसाब से इसको कोड किया गया है। इसको इसमें जितने भी इनपुट्स हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके आउटपुट्स दो ही हैं, यानी फॉरवर्ड ए या फॉरवर्ड बी, जो कि आगे उस मक्स के पास जाते हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, फॉरवर्ड यूनिट है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हैजर्ड यूनिट भी है। हैजर्ड यूनिट जो है वो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, कोड इसका बड़ा सिंपल है, लेकिन असल में ये एक ही सिग्नल जनरेट करता है स्टॉल। आगे जितने भी मुख्तलिफ लेवल पे पाइपलाइन डाटा पाथ में जो है और कंट्रोल में भी ये सिग्नल यूज़ हो रहा होता है। अगर वो देख रहा होता है कि पॉजिटिव एज है क्लॉक का और स्टॉल तो नहीं आ रहा, वो स्टॉल को भी चेक कर रहा होता है। अगर लेट्स से कि स्टॉल आ रहा है तो वो उसको उसको जो है ना होल्ड कर देता है, यानी उसको स्टॉल फ्रीज कर देता है उस स्टेज पे।
इसकी लॉजिक अगर आप देखें तो इसकी भी इतनी ज्यादा वो नहीं है कि वो सिर्फ ये देख रहा है कि IDEX में अगर RD जो IFID के RS1 के बराबर तो नहीं है या RS2 के बराबर तो नहीं है, अगर है तो वो और मैम रीड भी है तो उस केस में स्टॉल की वैल्यू हाई हो जाती है। ये हैजर्ड डिटेक्शन यूनिट का सिंपल फंक्शनैलिटी है। एडर बुनियादी तौर पर मैंने खैर यहाँ पर यूज किया था इसको, यहाँ पर जैसे आप नजर आ रहा है अच्छा। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ मैं शुरू शुरू में जब मैं इसको कर रहा था इस पर वर्किंग, तो मेरे पास मसला ये आता था मैं इसको एग्जीक्यूट कैसे करूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल मॉडल सिम से और वेरीलॉग से तो फैमिलियर नहीं था। तो मैं करता यह था कि ये जितने मुख्तलिफ अभी इंस्ट्रक्शन मेमोरी में मैं गया, इंस्ट्रक्शन मेमोरी में मैं इसमें मैं मॉडिफाई करके खुद से जो है ना चेंज वैल्यू करके जो है एक एक इंस्ट्रक्शन को यहाँ उसकी बाइनरी यहाँ पुट करता था, और फिर मैं इसको जब एक एक करके एग्जीक्यूट करता था तो फिर मैं RF में यानी रजिस्टर फाइल में देख रहा होता था कि ये इसकी क्या वेव फॉर्म बन रही है, और डाटा मेमोरी भी यहाँ पर होगी। डाटा मेम में जाके जो है मैं ये देख रहा होता था कि आखिर मेमोरी में क्या रिजल्ट आ रहा है। काफ़ी टीडियस था, तो ये मुझे मुश्किल लग रहा था कि मैं इसको कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि ये चीज़ इजी तो नहीं थी। और जाहिर है इसमें ट्रबल शूटिंग और डायग्नोस्टिक सबसे टिपिकल चीज है, जो मेरे ख्याल है चूंकि मैं फेमिलियर नहीं था इसलिए शायद मुझे लग रही है, अदरवाइज हो सकता शायद ना हो। तो मैंने इस चीज के लिए भी नेट, क्योंकि मैंने बहुत सारी कोड स्निपेट्स में ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने नेट से भी असिस्टेंस ली है। तो स्टार्ट सिमुलेशन के पैकेज में अगर हम जाएं, कहाँ गए स्टार्ट सिमुलेशन, ये रहा स्टार्ट सिमुलेशन में जाएं तो ये मैंने इसको करने के लिए जो है एक ये कोड स्निपेट लिया है। इनिशियली एक ही दफा एग्जीक्यूट होता है, ये अपडेट डेटा एक फाइल बनाता है, इसमें जो भी रजिस्टर्स की वैल्यूज हैं और मेमोरी की वैल्यूज जो है एग्जीक्यूट होने के बाद इसमें राइट हो जाती है। मुझे पता चल जाता है कि आखिर बजाय मैं एक एक चीज को देखूं मेरे पास टेक्स्ट फाइल में आ जाता है कि आखिर हुआ क्या। तो ये असल में इसका पर्पस था, ये लाइन ऑफ कोड ये कर रहा है। अच्छा अब मैं अगर वापस अपने एक्चुअल बबल सॉर्ट के कोड पे आता हूँ, मैंने कोड पूरा लिखा है, इसको इंटरप्रेटर में मैंने डाल दिया। इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। पहला तो ये वाला कोड मैं हटा देता हूँ, ये वाला लाइन ऑफ कोड जो है ये सिर्फ नंबर जनरेट कर रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ मेमोरी में रैंडम रैंडम नंबर तो नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर जनरेट कर रहा है दो मुख्तलिफ मेमोरी लोकेशन पर। यानी कि सबसे पहले अगर मैं ये 5 से शुरू करता है जैसे, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और 1 तक जाता है, उसके बाद ये फिर दोबारा मेमोरी में एक अलग लोकेशन पर साइमल्टेनियसली कर रहा होता है। ये वाला ये देखने के लिए आखिर ये ओरिजिनल क्या था और ये वो नंबर्स हैं जो कि जिन पे के हमने बबल सॉर्ट परफॉर्म करना है, ताकि हम फेस टू फेस कंपेयर कर सके कि एक्चुअल में था क्या और हुआ क्या। ये कोड सीक्वेंस जो है ये नंबर जनरेट कर देता है, और फिर मैं बाकी कोड जो पेस्ट करूंगा वो ये काम करेगा कि वो ये जो नंबर जो बाद में आ रहे हैं इनको सॉर्ट कर देगा। अब ये जो नंबर है मैंने कट किया था सीक्वेंस, इसको मैं पेस्ट करता हूँ, और अब मैं अगर मैं इसको रन करूंगा तो अब ये देखें ये रजिस्टर वैल्यूज भी डायनेमिकली जिस तरह चेंज हो रही है। और नीचे अगर मैं इसके मेमोरी स्टेटस में जाऊं तो यहाँ देखें अब इसने क्या किया, ऊपर वाला तो वैसे ही है, नीचे इसने सॉर्ट कर दिया। मेमोरी की लोकेशन मैं 20 करता हूँ, अब ये देखें, हाँ ये देखें अब ये इसने इसको सॉर्ट कर दिया। तो ये बेसिकली बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम है जो निचले वाले ब्लॉक पे परफॉर्म हुआ, और यही चीज़ मैंने आगे उसमें भी अपने प्रोग्राम में करनी है। अच्छा अब मैं सबसे बड़ा मसला मुझे ये होता था कि ये अब मैं ब्रांच के केस में इमीडिएट कैसे जनरेट होगा, इसकी मुझे लॉजिक मैंने नेट से काफ़ी मुझे सर्च करना पड़ा। और दूसरा ये अब ये मैं यहाँ तो लूप दे रहता था एक, ये उसको एक्चुअली में इसने किस पॉइंट पे आना है ये चीज़ समझना मुश्किल होता था। इसमें जो है मुझे वीनस का जो कंपाइलर है इसने काफ़ी हेल्प की, ऑल्दो कि वीनस का कंपाइलर इसमें बहुत से इशूज़ हैं, इसमें मुझे कभी भी एग्जीक्यूशन सही नहीं हुई, लेकिन मैंने इसमें फ़ायदा ये कि मैं इसको अगर अपना पूरा लाइन ऑफ कोड मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पेस्ट किया है, तो ये इसके साथ साथ आप देख सकते हैं मशीन कोड बना देता है। अच्छा ये जो मशीन कोड है, अगर मैं ये लूप लेता हूँ तो इसके ये भी इसने साथ इसको एम्बेड कर दिया, तो ये मुझे आसानी हो जाती है। अब मैं इस मशीन इसको हेक्साडेसिमल को मैं जो है कन्वर्टर में लेके जाता हूँ, कन्वर्टर में ले जाके मैं इसको कन्वर्ट करके इस करता हूँ तो ये मुझे बाइनरी रिजल्ट मिल जाता है। तो इस तरह से ये वो इंस्ट्रक्शन आ जाती है जो कि मैंने
एक्चुअली यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मेमोरी में मैंने इंस्ट्रक्शन मेमोरी हाँ इंस्ट्रक्शन मेमोरी में मैंने पुट करनी है। अच्छा, अब ये मैं बजाय इस तरह से एक एक इंस्ट्रक्शन पुट करूँ, ये चीज़ भी मैंने इंस्ट्रक्शन मेमोरी में ही डाल दी। इंस्ट्रक्शन मेमोरी का मॉड्यूल शायद मैं आपको पहले बताना भूल गया शायद मैं, या कहाँ गया। इंस्ट्रक्शन मेमोरी के मॉड्यूल में आते हैं, ये रही। अच्छा, इंस्ट्रक्शन मेमोरी जिस तरह के, ये भी एक है तो मेमोरी ही, लेकिन इंस्ट्रक्शन मेमोरी है। इसमें मैंने ये किया ये कि ये पूरा एक मॉड्यूल है, इसके अंदर जितने भी मेरा जो लाइन ऑफ कोड है बबल सॉर्ट का है, मैंने इस वक्त इसमें डाला हुआ है। ये वही पहला ब्लॉक है जो कि 5 to 1 नंबर जनरेट कर रहा है। इसको ये कर ये रहा है कि मेमोरी में 0 से लेके आगे ऑनवर्ड जो है उसके अंदर वैल्यूज पुट कर रहा है। पीसी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और आगे आगे इंक्रीमेंट करता है, फिर ये बबल सॉर्ट चलाता है और आखिर में ये वाला ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो फिर एग्जीक्यूट हो गई, एग्जिट हो जाता है। अच्छा, फिर ये तो इस तरह से मैंने इसकी जो है सबकी कन्वर्जन मैंने की। अच्छा, मैं अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए पहले तो मैं इसको एंड सिमुलेशन करता हूँ। ये पूरा वही पाइपलाइन डाटा पाथ के जो है वो ये पूरा कोड है। मैं इसको सबको कंपाइल करता हूँ। अब मैं सिमुलेशन में जाता हूँ। स्टार्ट सिमुलेशन से मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट सिमुलेशन में आके ये मुझे स्टार्ट मिल जाता है। अब मैं अगर बजाय इसके ये मुख्तलिफ वही जो इंस्टेंसेस क्रिएट किए हैं, डीपी जो है डाटा पाथ का है, इसी जो कंट्रोल यूनिट का है, मैं यहाँ से भी इनके ऑब्जेक्ट्स को मैं इसमें देख के वेव फॉर्म में कर सकता हूँ, लेकिन मैं चूंकि इतने झंझट में नहीं जा रहा। ये अपडेटेड डाटा पाथ की मैंने एक टेक्स्ट फाइल यहाँ रखी हुई है, जैसे आप देख रहे हैं इसमें इस वक्त नल है। ये मैं इसको सारे को डायरेक्ट रन कर दूंगा, रन ऑल, और ये यहाँ पर वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। अब ये फिनिश के लाइन पर चला गया। अब मैं इसको एग्जिट करता हूँ और मैं अपडेटेड डाटा पाथ में आता हूँ। अब ये देखें, इसने यहाँ पर ये सारे रजिस्टर्स की सारी वैल्यूज प्लस मेमोरी की सारी वैल्यूज इसने यहाँ पेस्ट कर दी। अब मैं इनको फेस टू फेस कंपेयर करके देख सकता हूँ यहाँ से। अगर आप इसको यहाँ मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखें कि अगर आप इनको फेस टू फेस यहाँ कंपेयर करके देखना चाहें तो यहाँ से आप कंपेयर करके देख सकते हैं। अब ये मेमोरी मेमोरी वैल्यूज आ गई हैं, अब इसी तरह ये रजिस्टर वैल्यूज भी आ गई हैं ऊपर। अब इसी तरह ये मेमोरी वैल्यूज भी अगर आप ये देखें तो ये वही कर रहा है, यानी कि मेमोरी में ये ऊपर वाला ब्लॉक ये जो नीचे था, यानी कि 5 4 3 2 1 ये एज इट इज है, और नीचे आके इसने उसको सॉर्ट कर दिया है। अच्छा, मैं अगर इसको दोबारा से डिलीट करता हूँ और मैं अपने कोड में वापस आता हूँ, सिमुलेशन से मैं बाहर गया, इंस्ट्रक्शन मेमोरी में गया हूँ। अच्छा, अब मैं ये सारा कोड यहाँ से कट कर दिया है। अब ये सिर्फ जनरेशन का है, मैंने इसको सेव किया, कंपाइल किया। अच्छा, अब अगर मैं इसको सिमुलेट करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अनसॉर्टेड आएगा डेटा जो जनरेट हुआ है। दोबारा अपडेटेड डाटा में आए, ये देखें, अब ये देखें अनसॉर्टेड है, जबकि मैं पहले जब एग्जीक्यूट किया था तो उसने सॉर्ट किया था। तो ये लाइन ऑफ कोड जो कि मैंने इंस्ट्रक्शन मेमोरी कहाँगी, जो कि मैंने यहाँ से कट किया था, ये बेसिकली वो एक्शन परफॉर्म कर रहा था, यानी कि ये जो ऊपर डेटा है उसको सॉर्ट करके दे रहा था। बाकी इसमें काफ़ी हद तक जो है चीज़ें जो है, अगर हम इसको अलग अलग कंपोनेंट वाइज, तो मैंने चीज़ें ड्रॉ की थी मुख्तलिफ टाइम में की थी, और काफ़ी इसमें चीज़ें जो हैं वो हमारे अगर मैनुअल और बुक से देखें तो ज़्यादा
इसमें आसानी होती है। वेरिलॉग को जो है इसको ज़्यादा समझने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है, और दैट्स वाई कि ये थोड़ा सा इट टुक द टाइम, बट होपफुली बाकी अगर कोई क्वेरी हो या कोई इशू हो तो मैं डेफिनेटली मैं इसको आंसर करूँगा। थैंक यू।